बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष महादेव गौड़ ने बताया कि आज जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर सरकार में भेजा है, वही लोग हमारा उत्पीड़न करने पर तुले हुए हैं। पिछले काफी लंबे समय से हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की लगातार अनदेखी करने का काम कर रही है। आज हम पूरे प्रदेश में उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। 21,000 पदों के लिए जो शासन आदेश जारी हुआ था, आज उन्हीं पदों को सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। और आज ये पुतला दहन ये हमें खुद दुख हो रहा है कि जिस प्रदेश जनप्रतिनिधियों को हमने सत्ता में भेजा, आज उनके द्वारा मन प्रस्ताव बढ़ती गई, संविधान बढ़ती गई और 125 दिन के इस आंदोलन को हमें आज इस तरह से पुतला दहन के कार्यक्रम के द्वारा उत्तरित करना पड़ा। हमें उम्मीदें थी कि सरकार हमारा संज्ञान लेगी, क्योंकि सरकार ने संज्ञान लेना तो दूर, उन्होंने 20 तारीख का शासनादेश मांगकर हमारे जो 21,000 बेरोजगार फार्मासिस्ट है और जो 21 सालों से रोजगार की राह देख रहे थे, उन पदों को शासनादेश के द्वारा खत्म कर दिया, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है सरकार ने और मजबूरन हमें पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। और पुतला दहन यहाँ देहरादून में नहीं, प्रदेश के 5 अलग अलग जनपदों में किया जा रहा है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़े खलनायक की भूमिका में रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, अगर वो संज्ञान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन उन्होंने पूरे प्रकरण में खलनायक की भूमिका निभाई है। उन्होंने आज हमारा श्रीनगर में पुतला दहन कार्यक्रम है, पटीमा में जो विधानसभा क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद हमें उम्मीद थी कि उस पुतला दहन कार्यक्रम को स्थगित कराएंगे और हमें वार्ता के लिए बुलाएंगे। आज मोदी जी की रैली है और मोदी जी की रैली के मद्देनजर हम उनकी व्यस्तता को समझते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा संज्ञान नहीं लिया। लाइव के माध्यम से उनको संज्ञान है, लेकिन पुतला दहन कार्यक्रम खटीमा में भी किया जा रहा है। ये समझ सकते हैं सरकार कितना नाकामी, सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। बेरोजगारों का जो हक है उसको छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज हम 21,000 जो बेरोजगार जो फार्मासिस्ट है 135 दिन के आंदोलन के बाद बहुत आहत हुए हैं और सरकार की नीति के खिलाफ पूरे प्रदेश में हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।